ग्रेड मॉर्निंग जी नमस्कार भूपेश आनंद फ्रेंड्स टुडे आई विल लेक्चर नंबर टू बेसिकली आई विल एग्जामिनेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज आई द लास्ट लेक्चर दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एक लेवल वन है और एक लेवल टू है और तो पहले हम पार्ट वन करेंगे बिकॉज दैट कम्स अंडर एनालिसिस एंड देन वी विल बी डूइंग पार्ट टू दोनों पार्ट एक साथ करेंगे बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू की वजह से बताया कि मैं आने वाले लेक्चर्स में अपने कैल्कुल अपने मोबाइल फोन के थ्रू मिरर व्यू के थ्रू एक एक स्टेप आपको लॉजिकली बताऊंगा कि जो मैं आज आपके सामने सेकेंड क्लियर मनी बेटी जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपको लॉजिकली कैलकुलेटर में दिखेगा किया जो कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं जनरली बच्चे मुझे कंप्लेन करते थे या कुछ सजेशन देते थे कि सर आप पूरा यहाँ पे क्यों ना तो मैंने नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आज आपके सामने ए टू जेड सारे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे क्लियर कर रहा हूँ ये देखिए सब कुछ जो मैं करूंगा आपके वहां पर आएगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन कैश फ्लो फंक्शन आई वाई आई वाई कैश फ्लो सब कुछ ए टू जेड सब कुछ क्लियर होने वाला है प्लस मैंने उनको अपने इस पीबीटी में प्रिंट भी करा दिया है कहने का मीनिंग ये है कि आपने अभी स्क्वाजर भी नहीं पढ़ना आपने अभी करिकुलम भी नहीं पढ़ना आपने अभी लर्निंग आउटकम भी नहीं देखने खाली मेरी कहानी को सुनना है आपने उस कहानी को जब सुनना है और उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो ऑटोमेटिकली मैं आपको हर कंसेप्ट के बाद बताऊंगा कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज लर्निंग मॉड्यूल्स आई हैव कवर्ड दीज लर्निंग आउटकम्स बिकॉज वो लर्निंग आउटकम्स बिखरे हुए हैं उनका रिलेशनशिप नहीं आता तो मैं आपको सब कुछ रिलेशनशिप से बताऊंगा कमर तो बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे बेटे आइए आइए लेट स्टार्ट विद जर्नी मैं भूपेश आनंद अपनी होश में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाला हूं एंड बिफोर आई स्टार्ट विद पोर्टफोलियो आई वांट टू से पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जैसे आप सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी हैज सम पोर्टफोलियो ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो मीन्स बंडल पोर्टफोलियो मीन्स ग्रुप पोर्टफोलियो मीन्स मोर देन वन कुछ भी एक से ज्यादा उसको कहते हैं पोर्टफोलियो वी हैव ऑलरेडी मैंने ना बेसिक इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के दस लेक्चर्स अपलोड किए यूट्यूब में अभी मैं वही बात बताऊंगा अच्छा मैनेजमेंट का मीनिंग क्या लगता है मैंने कहा जी पोर्टफोलियो का मीनिंग है पोर्टफोलियो इस कमर सीधी करें रजिस्टर ओपन करें और लिखें पोर्टफोलियो इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज अच्छा व्हेन आई से मैनेजमेंट जब आप इलेवंथ क्लास में थे ट्वेल्थ में थे तो मैनेजमेंट आपकी मैडम ने आपको बताया था व्हेन आई से मैनेजमेंट आई मीन मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मीनिंग क्या लगता है आपको क्या लगता है मैनेजमेंट के दो वर्ड्स आप हमेशा करते थे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मनी मशीन मटेरियल मैन पावर टू गेट दैट ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट तो बचपन से माता पिता से सुनते हैं जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, फिर और बड़े तो एंगर मैनेजमेंट गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट वाइफ मैनेजमेंट पता नहीं कितने सारे कोर्सेज आ गए बैठे मैनेजमेंट 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 मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इट मीन the bundle of securities which you have which you have selected from the huge huge you know universe of securities when i say security i have already told in that security ka matlab hai, any investment which will grow bank fd is a security i will say equity stock of nestle is a security of tata motor it is a security equity stock of coca-cola is a security equity stock of general motors is a security

ये नोट्स मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया डायग्राम बना रहे मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो में बड़े सारे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इट इज इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज हम यहाँ पे सिक्योरिटीज की बातें करेंगे ठीक है जी आइए आगे आइए देर आर थ्री स्टेप्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अगर आपको सच में लॉजिकली बड़े अच्छी तरह से समझना है तो पहला स्टेप ये रहेगा कि मैंने पंद्रह कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन 10 लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर नंबर वन में भी मैंने बताया था बेटे उनको ईमानदारी से देखना है चला नहीं करनी जब आप चलाकी नहीं करेंगे उसके नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो इन लेक्चर्स में आपको डांस करने का मन करेगा क्योंकि आपको रिलेशनशिप समझ आएगी आपको लॉजिकली बातें रिलेट करेंगे दूसरी बात बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट करने विच आर इन क्वानिटेटिव मैथड्स विच हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वांटिटेटिव मेथड्स में मैंने आपको पहला पहला एक लर्निंग एक 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 मॉड्यूल बताया था रेट्स एंड रिटर्न बड़े सारे रेट्स की बात की थी हमने डिस्काउंट रेट्स की बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की थी इंटरेस्ट रेट की बात की थी ग्रॉस रिटर्न की बात की थी नेट रिटर्न की बात की थी यू नो वी हैव डिस्कस ह्यूज होल्डिंग पीरियड रिटर्न वी हैव डिस्कस ज्योमेट्रिक रिटर्न वी हैव डिस्कस टाइम वेटेड रिटर्न वी हैव डिस्कस मनी वेटेड रिटर्न वी हैव डिस्कस वी हैव डिस्कस नॉमिनल रिटर्न वी हैव डिस्कस बड़े सारे रिटर्न्स की बातें की थी तो उसकी नॉलेज होना भी कंपलसरी है क्योंकि हम अभी आज से ही रिटर्न की कैलकुलेशंस करनी शुरू कर देंगे तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इन रिटर्न अब ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले चैप्टर देख रहे हैं मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं सीएफए यूएसए में मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता स्टिल पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है समझ आएगा तो मैं थोड़ा सा हल्का सा रिविजन कराऊंगा वट आई वॉन्ट टू सेव टू रिटर्न और एक अलग से क्वानिटेटिव मैथड्स में बेटे एक अलग से रीडिंग है जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स वो भी हम यहां पे कवर करेंगे वैसे पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स मैंने क्वांटिटेटिव मेथड्स में भी कवर किया तो बेटा ये दो बातें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं दीज आर दू प्री रिक्विजिट दीज आर दू प्री रिक्विजिट्स ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं अगर आप सच में ईमानदारी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट वन और पार्ट टू अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं आइए हम हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट वन पहले करेंगे और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट टू बाद में करेंगे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट वन के दोनों मॉड्यूल्स लिखेंगे सब बच्चे लिखेंगे बेटे रीडिंग्स को मैंने चैप्टर्स डाल दिया और लर्निंग मॉड्यूल लर्निंग आउटकम्स को मैंने कांसेप्ट बना दिए और एक टू जेड सारे कांसेप्ट सारे लॉजिक्स सारे लर्निंग मॉड्यूल्स कवर करने वाला हूं आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कहानी बना दी मैंने पहली बार इतिहास में इतिहास रच दिया बेटे ना भूतो ना भविष्यति ना भूत में कभी हुआ होगा ना आगे कभी होगा आप आने वाले 10 12 15 20 लेक्चर में आपको खुद ही पता चल जाएगा

आइए पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट वन में हम यहां पर इसके भी पार्ट वन और पार्ट टू है इसमें इसके बाद पार्ट टू में देखिए चार चैप्टर्स हैं चार रीडिंग्स हैं कंफ्यूज मत होना आप चार रीडिंग्स चार चैप्टर्स चैप्टर थ्री इट मीज रीडिंग थ्री नंबरिंग छोड़िए ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवर बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन द बिहेवियर आस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्क कोविड आ गया गया बेटे आपको पता है, है, अच्छा है, है? मैनेज करेंगे ये सभी बातें हम इन छ में करेंगे आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपको पार्ट वन कराऊंगा और इसके लर्निंग आउटकम्स देखेंगे अभी लर्निंग आउटकम्स हम नहीं कर रहे आप सबसे पहले ईमानदार बच्चे होंगे तो सारे कंसेप्ट कंसेप्ट वन एटलीस्ट चलिए कंसेप्ट वन तो लिखिए रिटर्न का मीनिंग क्या है बेटा रिटर्न यू वांट टू रिटर्न अच्छा आपको मैंने बताया इन्वेस्टमेंट

है ना करिकुलम के पैसे पे कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के पैसे पे कर रहे हैं मेरे पैसे पे कर रहे हैं एग्जामिनेशन फीस पे कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं तो बेटे कहीं ना कहीं आपकी कुछ उम्मीद है या नहीं एक्सपेक्टेशन है या नहीं सी एफ एस ए से बिल्कुल है क्यों नहीं होगी नॉइंट इज सी एफ ए यूएसए से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया आपका लेवल वन जैसे ही होगा आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी जॉब मिल जाएगी फिर आप जॉब के साथ लेवल टू स्टार्ट कर देंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे फिर धीरे धीरे आपका पैकेज बढ़ेगा फिर आपके गाड़ी आएगी फिर बंगला आएगा फिर गाड़ी में बैठने वाली आएगी इट सिमिलरली फॉर आई मेनी थिंग्स विच आर बी एक्सपेक्टेड आप ये बताइए अपनी मेहनत के पैसे एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest कर रहा है ना? इतनी मेहनत के पैसे यार जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसमें से कुछ रिटर्न लेगा एक्सपेक्ट करेगा या नहीं करेगा तो मैं आज उसी रिटर्न की बात करूंगा नो डाउट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्वांटिटेटिव मेथड्स बट आई वॉन्ट टू रिटर्न का मतलब रिटर्न का मॉड्यूल रिटर्न का लर्निंग आउटकम आपके इसमें नहीं है बट बेटे जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप रिस्क रिटर्न को कैसे रिलेट करोगे कैसे ट्रेड ऑफ निकालोगे कैसे ग्राफ बनाओगे लर्निंग कंसेप्ट नंबर वन आप लिखिए रिटर्न रिटर्न आई मीन आई मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स जब हम बात करेंगे रिटर्न की तो आप सब यहां पे लिखेंगे इट इज द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन बेटा दिख रहा है दिख रहा है आपको मैंने कैलकुलेटर भी हटा दिया है, है ना जिससे कि आपको थोड़ा सा तो दिखना शुरू हो जाए है ना देखिए मैं थोड़ा फोन बड़े कर दिए कि आपको दिखे कैलकुलेटर बाद में लेके आएंगे अभी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है जब होगी तो मैं दोबारा से दिखा दूंगा रिटर्न कंसेप्ट वन रिटर्न इज उम्मीद इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है आप प्लीज नोट करें ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स

भाई उसने मेहनत के पैसे सुबह जाता था नौ बजे घर से निकलता था दस बजे ऑफिस पहुंचता था शाम को छह बजे आता था बेटे एक महीने तक किया एक साल तक किया जवानी लगा दी कुछ पैसे कमाए कुछ पैसे सेव किए अब उनकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या लगता है उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ उम्मीद नहीं रखेगा

अच्छा एवरेज बड़े तरह की होती है एवरेज वी कैन कैलकुलेट सिंपल एवरेज वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कंपाउंडेड एवरेज वी कैन कैलकुलेट जोमेट्रिक एवरेज तो हम डिस्कस करेंगे रिटर्न का मतलब आप आठ तरह के रिटर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आपको एनालाइज करना है कि जो आपने पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया फॉर योर इन्वेस्टर वेदर दैट पोर्टफोलियो इज गिविंग यू एडिक्वेट रिटर्न विद दैट सेम लेवल ऑफ रिस्क

एवरेज के पार्ट से मैं फिर रिपीट करता हूँ आप रजिस्टर में नोट करें कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बेटे मैं बता रहा हूं आपको स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट देखिए मैं आपके लिए खड़े होकर है ना पूरा ब्लेजर पहन के टाई लगाकर फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ है ना घूम रहा हूँ कर रहा हूं आपको बता रहा हूं कमर सीधी टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है बेटे ऐसे झुक के नहीं बैठना लेट के नहीं पढ़ना मोबाइल फोन में नहीं देखना लैपटॉप डेस्कटॉप में देखना रजिस्टर सामने होना चाहिए आप लिखिए एवरेज रिटर्न अवरेज, अवरेज, बेटे अरिथमेटिक एवरेज बैटरी एवरेज मनी वेटेड एवरेज डिस्कस किया था इसमें भी करेंगे एक आध बताएंगे अचानक देर आर एट टाइप्स ऑफ रिटर्न फर्स्ट इज होल्डिंग बेटेड रिटर्न सेकेंड इज सेकेंड इज एवरेज रिटर्न थर्ड इज ग्रॉस रिटर्न क्रॉस जब हम मैनेजमेंट फीस और एसेट मैनेजमेंट कंपनी से की फीस से पहले का रिटर्न देखते हैं देखेंगे नेट रिटर्न प्री टैक्स रिटर्न पोस्ट टैक्स रिटर्न आप देख रहे हैं सभी में रिटर्न लिखा है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के दो बड़े इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं वानर है एक का नाम है नल और एक का नाम है नील हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे और उनको नहीं पता था कि वो पवन पुत्र है उनको श्राप मिला था एक तो दो वानर नल और नील उन्होंने कहा हनुमान जी आपके अंदर हैं आप ये भी कर सकते हो आप पवन के पुत्र हो तो सारी बातें उनके अंदर आ गई बेटे नल का मतलब तो क्या कह रहा है, है? ट्रेन्योर क्या कह रहा है समझ आ ही नहीं सकता तो आप लिख रहे हैं और और उसमें आपने नाम लिख दिए ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न प्रीटेक्स नॉमिनल रिटर्न प्रीटेक्स प्रीटेक्स पोस्ट रियल रिटर्न लिवरेज रिटर्न अब मैं आ रहा हूं होल्डिंग पीरियड रिटर्न में आप सभी ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं आपका ध्यान इस समय मेरी बातों के ऊपर है मैं भूपेश आनंद आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बातें करूंगा आइए होल्डिंग पीरियड रिटर्न में देखिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न में देखिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न में देखी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आइए 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 मेहरबान मेहरबान कदरदान आइए दोस्त मैंने इसको स्क्रीन को छोटा कर दिया क्योंकि मुझे कैलकुलेटर की स्पेस चाहिए तो वो कैलकुलेटर वहां पर आएगा अभी आएगा बेटे अभी आएगा आप पहले लिखिए होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न 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 आ गया कैलकुलेटर ये देखिए मेरे फोन से हटाए थे बेटे सब कुछ कराऊंगा होल्डिंग का मतलब है कि

ऊपर लिख चुके हैं होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न इट इज द रिटर्न ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफिक टाइम पीरियड वन वीक हो सकता है वन डे हो सकता है वन ईयर हो सकता है फाइव ईयर हो सकते हैं फिफ्टी एम नॉट कंसर्न विद दैट बट मैं होल्डिंग पीरियड में जितना रिटर्न आया उसकी बात करूंगा मैंने माना कि मैंने सिक्योरिटी हंड्रेड डॉलर्स में बाय की है

कि भाई साहब बनिए की भाषा में आए कितने आए कितने एक सौ बीस रुपए आए प्लस दस रुपए भी आए या दस डॉलर पूंजी कितनी लगी थी आप बताइए बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा इसमें क्या कैलकुलेटर करना है क्या लगता है थर्टी परसेंट आएगा नहीं इतने मेरे पास थे दिस इज लेटेड भी पी वन लेटेड एंड लेटेडीरो आई विल से पी वन माइनस पी जीरोन पी जीरो पी वन पी वन पी वन माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो इन टू हंड्रेड लेटर थर्टी परसेंट इसका दूसरा तरीका भी मैंने क्वान्टिटेटिव मैथड में बताया था यह लिखा है क्लोजिंग कैश फ्लो अपॉन ओपनिंग कैश फ्लोस क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग जो मैंने किया अभी आपके सामने वन थर्टी

वन थर्टी अच्छा मैंने थोड़ा सा शायद गलत कर दिया है वो बटन गलत प्रेस हो गया कोई बात नहीं वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय वन डबल जीरो इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री जीरो माइनस माइनस वन इज इक्वल टू थर्टी परसेंट वो देखिए ऊपर आ रहा है जो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में कर रहा हूँ अपने मोबाइल फोन पे कर रहा हूं उतना सामने आ रहा है बेटे अब ये स्टेप्स मैंने लिख दिए आपको स्टेप्स भी दिखेंगे तो रिटर्न का मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजर एनालिस्ट पर्टिकुलर सिक्योरिटी द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिटर्न टू एवरेज रिटर्न बड़ा प्यारा आप बताइए आपको बड़े सारे रिटर्न दे दिए कि भाई कोका कोला ने इस फाइनेंशियल ईयर में दिस इज द रिटर्न इन दिस दिस फाइनेंशियल इज द रिटर्न दिस इज द रिटर्न इन दिस 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 लास्ट दिसव इन का आपको डाटा अगर दे दिया जाए कोका कोला का आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए आप यहां पे खड़े हैं तो आप क्या करेंगे इन सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेट करेंगे जैसे एक स्कूल में मॉनिटर को बनाया जाता है इट मीन दैट मॉनिटर इज रिप्रेजेंटिंग होल क्लास रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल फॉर दैट होल क्लास सिमिलरली वेन वी आर गिवन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज बट नेल डिस्कस इन क्वान बट नेट ए रिप्रेजेंटेटिव हम उसका रिप्रेजेंटेटिव निकालेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव हम क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे एवरेज एवरेज मीन निकालेंगे मीन निकालेंगे और बेटे मीन में सिंपल एवरेज की बात लिखी पहले आप लिख रहे हैं अर्थमेट्रिक मीन रिटर्न सभी लिख रहे हैं कमर दीदी मैं यहीं पे हूं बैठे एवरेज रिटर्न एवरेज मीन रिटर्न लिखेंगे अरिथमेटिक रिटर्न मेजरस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था मेजरस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक रिटर्न तो आप लिखिए हेडिंग लिखिए r1 plus r2 मतलब रिटर्न ऑफ फर्स्ट पीरियड प्लस रिटर्न ऑफ सेकंड पीरियड प्लस रिटर्न ऑफ थर्ड पीरियड जहां तक जा रहा है रिटर्न ऑफ nth पीरियड अपॉन n आई विल से इट इज नेमड एज अरिथमेटिक रिटर्न Average returns में एक होता होता दूसरा बेटे को बोलते हैं हैं करते है कि आपने एक सिक्योरिटी को दस पांच 6, चार साल तक रखा पहले साल दस परसेंट रिटर्न आया फिर बारह का आया फिर तेरह का आया फिर दस आठ का आया तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि ओन एन एवरेज मेरे इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला

आपको ये बातें तो छोड़ ही नहीं है लिखनी है कमर तो सीधी करके लिखनी है व्हेन मैं व्हेन पीरियोडिक रेट्स ऑफ रिटर्न वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड मतलब पीरियड से पीरियड जैसे फर्स्ट ईयर जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए फर्स्ट ईयर में दस परसेंट है सेकेंड ईयर में बारह परसेंट है थर्ड ईयर में माइनस फोर्टीन परसेंट है फोर्थ ईयर में फिफ्टीन परसेंट है इट मीन्स हर पीरियड में रिटर्न अलग अलग है अब मैं आपसे पूछूं एज अ अफ एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एज अ इन्वेस्टर पूछता हूँ माई पोर्टफोलियो मैनेजर दैट हाउ मच इज द रिटर्न आई एम अर्निंग तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी आप बेटर है उस केस में ज्योमेट्रिक रिटर्न निकालेंगे आप इस समय लिख रहे हैं आप खाली नहीं बैठे ज्योमेट्रिक रिटर्न वेन पीरियडिक रेट ऑफ रिटर्न वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड देन इट इज बेटर टू कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न आप किसी के भी नोट कर लेना मैंने जिस तरह से बनाएं, जिस तरह तरह से से की की बनाई हैं जैसे मैं calculator से दिखा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आज तक की में ऐसा हो हाँ, मेरे वीडियोस को अपलोड करने के बाद कॉपी कर ले बेटे हम थर्टी कंट्रीज में बेच रहे हैं कंट्रीज में सेल कर रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा आइए मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा और उसको कैलकुलेटर से भी करेंगे एग्जाम्पल में मैंने लिखा

and in third year there is a negative return of 14 percent and in the fourth year there is a negative return a positive return of 15 percent अब आप चेक करिए gap चार साल का है आप मेरी बात को समझ रहे रिटर्न जितने भी हूं मैं एज अभी बताऊंगा देर इज अ गैप ऑफ फोर इयर्स मैंने यहां पे लिखा टी वन और यहां पे लिखा टी फोर अब देखिए मैंने कोटेशन तक लिखी हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अब कभी वो ही अवसर मंजिल पर अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं इन दिस मैंने कहा यहां पर दस परसेंट है फिर बारह परसेंट है फिर मैंने नेगेटिव कर दिया फिर पंद्रह कैलकुलेट द रिटर्न सो माय डियर फ्रेंड्स द रिटर्न इज वेरिंग जब अलग अलग तरह के रिटर्न्स अलग अलग पीरियड में वेरी कर रहे होते हैं तो मैं उस रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए जोमेट्रिक रिटर्न की बात करता हूँ और आप देखिए मैंने टाइमलाइन आपके सामने प्रिपेयर कर दी मेहनत की है कोई वैसे नहीं कराता मैंने तो बनाया बच्चों को अपने दो अपने एम्प्लॉइज को रखा उन्होंने बनाया और आपके सामने ये देखिए मान लेते हैं आपने हंड्रेड डॉलर्स अज्यूम किए थे मैं अज्यूम कर रहा हूं देखिए आपको कोई कभी कुछ नहीं पता तो आप सो मानते हैं ना एक्स मानते हैं ना मैंने माना कि लेट आई हैव इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड लेट मिस्टर ए एंड आई है टाइम लाइन दिस इज अ लाइन अवेयर ऑफ लेट इट बी बीम लाइन लेट इट बी टाइम लाइन सो दिस इज टी जीरो मैंने यहाँ पर 100 डॉलर की इन्वेस्टमेंट की 10 परसेंट कमाए 12 कमाए 14 कमाए 15 कमाए अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास ओन एन एवरेज जोमेट्रिक रिटर्न कितना हुआ इसको मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं बट मैं कैलकुलेटर से कराऊंगा अच्छा कैलकुलेटर से करने के दो तीन तरीके हैं आप आराम से कैश फ्लो का फंक्शन यूज कर सकते हैं आप प्रेजेंट वैल्यू कैश प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बेसिस में कर सकते हैं आप अर्थमेटिक्स से कर सकते हैं मैं दोनों तरीकों से कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी ज़्यादा बेनिफिट आएगा आइए मैं भूपेश आनंद सेकेंड क्लियर टर्म में मैंने कर दिया सेकंड क्लियर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया भाई साहब सब कुछ क्लियर होना चाहिए देखिए क्लियर आ गया जीरो जीरो आ गया देखिए पहले आप कभी भी कैलकुलेटर यूज करें तो आप पहले क्लियर करें बेटे क्लियर सेकंड क्लियर ये मैंने अलग से कैलकुलेटर के अलग से मॉड्यूल्स लिए हुए हैं कैलकुलेटर के अलग से मैंने वीडियोस बनाए हैं जहां पर एक एक फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है कोई बात नहीं आपने पहली बार कर रहे हैं मैं इसमें भी बताऊंगा अब देखिए वन पहले पार मिला दस परसेंट फिर बारह फिर माइनस चौदह फिर पंद्रह इसका मतलब यहां अगर आप देखें तो सौ रुपए लगाए तो वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट एट सिक्स एंड वन पॉइंट वन फाइव आप बताइए है या नहीं अब मुझे क्या करना है मुझे ये देखना है कि मेरा रिटर्न कितना है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं वन पॉइंट वन इन टू वन पॉइंट टू आप कैलकुलेटर में देखते रहिए मैं यहां पे कर रहा हूं मेरा कैलकुलेटर में सीधा आ रहा है इन टू पॉइंट एट सिक्स इन टू वन पॉइंट वन फाइव ये देखिए जी इक्वल टू आ रहा 1.3055 आप बताइए आ रहा नहीं आ रहा वो आ रहा है ऊपर कैलकुलेटर में अच्छा मैंने चार साल का डिफरेंस आप चेक करिए तो मुझे दो बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो मैंने क्या किया एक बार स्क्वायर रूट किया फिर दो बार स्क्वायर रूट किया ये आ गया जी 1.0689 आराम से आप देखिए 1.0689 तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और देखता हूं कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है वेदर आई हैव डन इट लाइक दिस और नॉट तो वन पॉइंट सीरो पर दिस माइनस वन कर दीजिए आ गया बेटे पॉइंट जीरो सिक्स एट नाइन पॉइंट जीरो सिक्स एट नाइन हम देखें मैंने यहां पे कितना निकाला है आ, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा अच्छा मैंने क्या किया बेटे आप पहले एक बार देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए मैंने बेटा इसके सभी के ये स्टेप्स भी लिख दिए हैं आप देखो ना कितनी मेहनत की होगी कितनी मेहनत की होगी बेटे आपको क्योंकि कैलकुलेटर पूरा नहीं पता तो मैंने उसके स्टेप्स भी लिख दिए हैं आप देखिए लिखा है ना यूजिंग टीवीएम आई कैन यूज टी वी एम और आई कैन यूज अदर फंक्शन अभी देख लेते हैं तो सेकंड क्लियर टीवीएम करो सेकेंड क्लियर टीवीएम मैंने अभी आपको करके करके दिखाया देखिए मैं पर सभी बच्चे करेंगे दोबारा करके देख लीजिए दोबारा कर रहे हैं सेकेंड क्लियर टीवीएम नीचे क्लियर आइए दोबारा से देखते हैं बेटा सेकेंड क्लियर कर दिया वन पॉइंट वन कहीं वन पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट वन टू इंटू पॉइंट एट सिक्स इंटू वन पॉइंट कितना था रिटर्न ठीक है वन पॉइंट वन फाइव वन पॉइंट वन फाइव ये बेटे आ गया आपके सामने वन पॉइंट टू वन एट फोर वो चेक करिए पहले आई थिंक कुछ बटन दूसरा प्रेस हो गया होगा कोई बात नहीं करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान बेटे मैं तो आपके सामने करके दिखा रहा हूं 1.2184 अब बिकॉज़ डिफरेंस चार साल का है तो दो बार स्क्वायर रूट कर देंगे एक बार किया तो आ गया 1.1038 एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0506 माइनस 1 वन करेंगे माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05036 100 कर देंगे तो बेटा ये आपके सामने 5.06 यही आंसर है 5.06 आप करके देखिए कैलकुलेटर में 5.06 आ रहा है छुपाने वाली बात है ही नहीं रियल लाइव आपके सामने कर रहा हूं आइए आइए ये चेक कीजिए दैट हाउ हाउ मच इज द रिटर्न आई थिंक आई थिंक द रिटर्न इज 5.06 अब इसको कैश फ्लो फंक्शन से भी कर सकते हैं बस बिकॉज वो क्वान्टिटिटी मैथड्स में मैंने बता दिया तो अभी खाली आपको एक बताना था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कंसेप्टन में वी नो दैट रिटर्न इज समथिंग रिटर्न इज समथिंग विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एज इन्वेस्टर उस रिटर्न रिटर्न की बात कैन बी ऑफ एट टाइप्स तो आपको एक आइडिया तो लग गया क्योंकि मुझे पूरी कहानी बतानी ना सात आठ कंसेप्ट की तो रिटर्न आपको लॉजिकली समझ आ गया आठ तरह के होते हैं बेटे मैंने बड़े सारे बताए हैं अभी हम बाकी तो यहाँ पे नहीं करेंगे मैंने क्वांटिटेटिव मैथड्स में ऑलरेडी करा दी है आपको इन दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन पार्ट वन तो मेरा प्यार है कि मैंने इनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नंबर वन के रिटर्न में लिख दिया कि आपको पता चले कि हम ये वहां से ले रहे हैं जैसे ग्रॉस रिटर्न है, है ना जैसे नेट रिटर्न है तो वो आप अभी यहां नहीं करा रहा है क्योंकि ये ये अभी ऑलरेडी हमने क्वांटिटेटिव मैथड्स में कवर कर दिया है मैंने इसलिए कराया कि अगर आपने क्वांटिटेटिव नहीं किया तो डायरेक्टली यहां पर आ गए तो आपको थोड़ा सा एक लॉजिकली पता चल जाए बेसिक मीनिंग रिटर्न है क्या तो मेरे को लगता है कि कंसेप्ट नंबर वन में रिटर्न सबको समझ आ गया बेटे बेटे बड़ी मेहनत करने वाले हैं आप सब जल्दी से अपने रजिस्टर्स अगर अभी तक तो बाय नहीं किए आपने अगर मेरे क्वांटिटेटिव मेथड्स के लेक्चर्स नहीं देखे एटलीस्ट पहली रीडिंग के और वो पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स उसको तो देखिए अगर आपने मेरे वो दस लेक्चर फिफ्टीन वाले नहीं देखे तो वो देखिए क्योंकि धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर पता चलना चाहिए तभी आप कर पाएंगे और मैं पूरी कहानी बताऊंगा यार आपको फुल एनर्जी के साथ पूरी कहानी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। मिलते बेटे बी हैप्पी Be jolly, be cheerful.